स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो बच्चे, टुडे इन द टॉपिक ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू कंटेंट। ये चैप्टर दो पोर्शंस में डिवाइडेड था, मैंने आपको बताया। जो फर्स्ट पोर्शन था दैट वाज रिलेटेड विद द एटॉमिक मॉडल्स इन विच वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल and Bohr's model of atom, including with hydrogen spectrum. Now the second portion of this topic is related with the atomic nucleus. हमने atom के बारे में तो पढ़ लिया कि electrons घूम रहे हैं, electrons की transition सब कुछ पढ़ लिया। अब बात आती है characteristics of the nucleus, nucleus के बारे में पढ़ना। तो आइए start करते हैं बच्चों आज का lecture number 1 रिलेटेड टू द एटॉमिक न्यूक्लियस। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है ये ये जो पोर्शन है ये दो पोर्शंस में, सब पोर्शंस में डिवाइडेड है। पहला सब पार्ट रहेगा न्यूक्लियस के ऊपर और दूसरा सब पार्ट जो रहेगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज आपके लिए नहीं है, ये आपने पहले भी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक चीजें हैं पढ़ी हुई हैं, बट मैं अपने अकॉर्डिंगली फिजिक्स वाइज इसको कवर अप करवाना चाहता हूं। कोई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप केमिस्ट्री में खुद पढ़ लेना, कई पोर्शंस में ये कहा भी जाता कई जगह पे कि बच्चे खुद पढ़ लेंगे केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बट नहीं, हमें खुद ये दोबारा डिस्कस करना है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विच इज बेस्ड ऑन एटॉमिक न्यूक्लियस। क्या लिखा आपने मॉडल ऑफ एटम के दौरान कि ये एटम है जिसके अंदर ये एक चीज है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, ओके बच्चों, ये एक ऐसा पोर्शन है एटम के अंदर जिसमें हम मानते हैं एंटायर चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज कंसेंट्रेटेड। ठीक है, सारे का सारा चार्ज, सारे का सारा मास जिसमें कंसेंट्रेटेड है। क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सच बोलूं, इस पोर्शन में आप मेरे से वर्ड सुनोगे इन दोनों के सम, इन दोनों को एक्चुअली कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन एक ऐसा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर हो, न्यूक्लियॉन। प्रोटॉन अंदर होता है, न्यूट्रॉन अंदर होता है, इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स।
आपको पता है साइज ऑफ एटम अबाउट या आप कह लो साइज में मतलब मेरे बात आती है एक्चुअली आई शुड से रेडियस ऑफ एटम और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टेन दी पावर माइनस 14 टेन इस पावर माइनस 15 मीटर का, यानी कि एटम का 1/10,000 times 1,00,000 times छोटू चीज है न्यूक्लियस। समझो कि अगर मैं कहूं कि एक रूम एटम है, ठीक है, ये एक रूम एटम है, और अगर मैं बात कहूं कि ये एक पिन की टिप टिप इस पूरी चीज का 1/1,00,000 साइज का है, तो ये होता है न्यूक्लियस। एनसीईआरटी वर्ड बोलती है इफ वी इमेजिन ए रूम एज ए एटम एंड ए पिन साइज टिप ऑफ द पिन एज ए न्यूक्लियस, तो फिर उसके साइज की कंपैरिजन की थी फील है। समझे बात? इंपॉर्टेंट। अब बात आती पहले, सारा पोर्शन तो इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। पहले इनके बारे में कुछ देखते हैं। प्रोटॉन क्या होता जी? इसका बड़ी डेप्थ में आपने पढ़ा हुआ है यार, चैप्टर ही शुरू, सिलेबस की शुरुआत ही प्रोटॉन से हुई थी, इलेक्ट्रॉन से हुई थी। चार्ज मास इस वैसे मास को क्या कहते हैं? 1 AMU। याद है 1 AMU की एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और है, पर वो क्या है डेफिनेशन पढ़ी हुई आपने, मास ऑफ 1/12 एटम ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। ये सिंबल होता है इसका प्रोटॉन का, ठीक है जी। न्यूट्रॉन चार्ज शून्य, जीरो चार्ज, मास
हम बहुत सारी सिचुएशंस में मानते हैं कि चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन, पर इस चैप्टर में मानेंगे जब दिया होगा तो हम अलग अलग मानेंगे, जब नहीं दिया होगा तो हम मान लेंगे बराबर। पर दिया होता जी अप्रोक्सीमेटली ठीक है, पता चला प्रोटॉन न्यूट्रॉन से क्या बना, न्यूक्लियस बना। हम हमारे टॉपिक का नाम क्या है, एटॉमिक न्यूक्लियस, तो पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब बात आए न्यूट्रॉन का सिंबल क्या होता है, आपको पता है नो चार्ज बट मास, ठीक है पता चला। अभी एक आधे लेक्चर में और इसकी डेप्थ में जाएंगे कि इनकी डिफरेंस एटॉमिक मास यूनिट में एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। अभी मैं बेस ट्रैक आपको दे रहा हूं, ऑल आर फेमिलियर विद दिस थिंग। देन कम्स फ्यू डेफिनेशंस, वो आपने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, आती हैं आपको सबको। एटॉमिक नंबर, यूजुअली सिंबल क्या होता है Z। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ना आती। क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हम न्यूक्लियस की भी बात कर रहे हैं टॉपिक में, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस उस नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, देन मास नंबर, यूजुअली सिंबल ए क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स उसको बोलते हैं मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मास नंबर, ठीक है। प्रोटॉन्स का सम तो एक आता है एटॉमिक मास, मास नंबर एक नंबर है, नंबर ठीक है, इतने न्यूक्लियॉन्स हैं, ए न्यूक्लियॉन्स हैं, एक न्यूक्लियन का मास है 1 AMU, तो ए न्यूक्लियॉन्स का मास कितना, AMU, या मैं कहता हूं एक न्यूक्लियॉन का मास है एक्स, एक न्यूक्लियॉन का मास है एक्स, टोटल न्यूक्लियॉन्स का मास कितना होगा निकाल सकते हैं, ठीक है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या हुआ, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू AMU,
क्लियर फील आया पक्का? सिंबल्स कैसे बनाते हैं हम? है क्या होता है एलिमेंट जिसकी बात हो रही है, ये क्या है एटॉमिक मास, और ये क्या है एटॉमिक नंबर, रादर इसको बोलते हैं मास नंबर। This is what number of protons this is what number of protons plus number of neutrons और a माइनस जेड क्या होता है कल्ला नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कुछ बच्चों को तो लग रहा होगा सर ये चीज हो क्या रही है, ये तो बहुत बेसिक है, ये तो हमने पहले केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक बात है, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप खुद पढ़ लेना, फिर कुछ बच्चों ने कहना सर आप पढ़ाते नहीं हो, आपने काम नहीं कराया है, नाम बोलूं क्लास में भी, अब बैठे हुए यहां पर भी कई, तो उस वजह से ये आपको टेबुलर फॉर्म्स पहले बनानी है, सिलेबस का पोर्शन है, बेसिक बेसिक चीजें एटॉमिक न्यूक्लियस टॉपिक के अंदर बेसिक बेसिक चीजें, तभी एक जो आर्टिकल है मेन बाइंडिंग एनर्जी का हम कर पाएंगे। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इट्स हाईली पॉजिटिव थिंग कि आपको ये आती हैं, पर फिर भी मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूं। अब बात आती है अगली, सुनी हुई बातें कुछ लिखने लगा। आइसोटोप्स, हर बच्चे को आती है बात आइसोटोप्स, ठीक है जी। कुछ बच्चों का तो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक, टीचर भी बहुत बढ़िया मिले हुए हैं कुछ बच्चों को, मेरे जैसे नहीं है, रिलैक्स से। तो आइसोटोप्स क्या होता है जी, प्रणव जी आइसोटोप्स आता जी इसको, सेम एलिमेंट, शाबाश ये प्रणव करा रहा जी हम, सेम एलिमेंट हो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स,
आप ये भी कह सकते हो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल H11, H12, H13, प्रोटोन, ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम। प्रोटोन का नंबर 1, न्यूट्रॉन्स का नंबर 100% पता चल गया पक्का। अब प्रणव जी, कई बार आपने अगर केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ी हो, मैंने तो कमी पढ़ी है, शायद पढ़ी ही नहीं है, हमारे टाइम पे केमिस्ट्री होती नहीं थी, ठीक है, वैसे ही आ गए हम, कई बच्चे यही कहते हैं। तो क्लोरीन का जहां तक मुझे याद है, हम एटॉमिक मास लेते होते हैं न्यूमेरिकल में 35.5। क्यों जी रक्षित, यही ठीक कहा मैंने? रक्षित को तो बहुत ज्यादा आती है केमिस्ट्री, वेरी गुड। तो 35.5 एटॉमिक मास, यार प्रोटॉन का नंबर 2 है, न्यूट्रॉन का नंबर मान लो 3 है, 2+3 5, 5 AMU, प्रोटॉन का नंबर 4 है, न्यूट्रॉन का नंबर 6 है, 4+6 10, 10 AMU, प्रोटॉन का नंबर 17 है, न्यूट्रॉन का नंबर 18 है, 35 AMU, प्रोटॉन का नंबर 5 है, न्यूट्रॉन का नंबर 8 है, 13 AMU, ये सारी तो इंटीजर वैल्यूज आती हैं। तो 35.5 ये क्या बना, ये कैसे आया, गलत ना हुआ कुछ, क्या कह रहे, गलत ना हुआ कुछ, 35.5 AMU। लो अभी आपने कहा एटॉमिक मास इसका और इसका सम AMU है, जो इनका नंबर है वो तो नंबर इंटेग्रल होगा क्या, नहीं होगा? हाँ जी सर, ये तो इंटेग्रल ही होगा, प्रोटॉन इतने, न्यूट्रॉन इतने। अभी कभी आप कहोगे कि 5.4 प्रोटॉन है, कहोगे? मैंने तो नहीं कभी कहा। आप कभी कहोगे न्यूट्रॉन 2.5 न्यूट्रॉन है, 2.5 न्यूट्रॉन है, आप कभी कहोगे 7.5 न्यूट्रॉन है, आप कभी कहोगे 10.4 न्यूट्रॉन्स है, आप यहां कहोगे पाजी 10 न्यूट्रॉन है या पाजी 11 न्यूट्रॉन। तो फिर 35.5 का क्या फील हुआ? ये जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है ना, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, ये आइसोटोप्स के कारण होता है। मैं टेप लिखने लगा, एटॉमिक मास कभी कभी फ्रैक्शन में होता है, ओनली एंड ओनली
due to isotopes. Only and only due to क्या? Isotopes. कैसे? मान लीजिए आपके पास यही डाटा है क्लोरीन का ही, ये जो परसेंटेज एग्जिस्टिंग होती ना नेचर में ये 75% है और ये जो है ना ये 25% है, मैं अप्रोक्सीमेटेड मान ले लेता हूं, कई बार वेरी भी करती है 74 26 73 27 ऐसे भी होती है, 78 22 ऐसे भी होती है, ठीक। तो एवरेज एटॉमिक मास जो है ना उसका फॉर्मूला होता है A1N1 + A2N2। अगर तीन हो मान लो A1N1 + A2N2 + A3N3 जितने आपके आइसोटोप्स हो। अब A1N1 A2N2 है क्या? A1 एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, N1 फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, A2 एटॉमिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप, N2 फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आइसोटोप। अब यहां लगाएं A1 N1 फ्रैक्शन है 75%, तो 75/100। A2 25/100, 25 × 3 = 4, 35 × 3 = 25 × 4 ये बना 35 × 3 + 37 × 1 / 4, ये बना 105 + 37/4, ये बना 142/4, ये बना 35.5 एटॉमिक मास फ्रैक्शन में 35.5। समझे बात? ये चीज आइसोटोप्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के लिए, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के लिए। हो सकता है, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पर जिन बच्चों को नहीं पता था ऑनेस्टली हाथ खड़ा करें, उनके लिए समझ लो ये चीज, करिए नोट जल्दी। जल्दी करिए बच्चे, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट डिफाइन करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, या आप कह सकते हो एटॉमिक नंबर। इसका मतलब जब फ्रैक्शन में दिया हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन चीज है, कौन चीज है प्रणव?
आइसोटोप्स, कौन सी चीज आइसोटोप्स, इसके बाद आपको क्लियर होना चाहिए आइसोबार्स, सबको आता है, बड़े बच्चों को आता है, क्या पहली बार तो ये डिफरेंट एलिमेंट क्या होता है, इधर एलिमेंट क्या था सेम, ठीक, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, बस मास नंबर सेम, जैसे पता आपको बेस्ट टू बेस्ट एग्जांपल क्या प्रोटॉन गिने न्यूट्रॉन गिने बट मास नंबर क्या सेम, सॉरी आइसो बार्स, ठीक है आइसो बार्स। कोई और एग्जांपल? हां जी भव्या, कोई और एग्जांपल? कहता सर है H13HE23, प्रोटोन गिना 1, प्रोटोन गिना 2, न्यूट्रॉन गिना 2, न्यूट्रॉन गिना 1, बट आइसो बार्स। देन कम आइसोटोन्स क्या होते हैं, क्या जी बड़ी चीज, जेड डिफरेंट, ए डिफरेंट, ए माइनस जेड सेम, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, इधर सुनो सच्ची बात, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, ठीक है, जिस तरह लिथियम 3-7 बेरिलियम 4-8, लिथियम 3-7 बेरिलियम 4-8, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट, न्यूट्रॉन नंबर सेम, हाँ जी भव्या, और एग्जांपल सर होती है
प्रोटॉन 1, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, न्यूट्रॉन 2. Isotones. ठीक है, आइसोबा, आइसोटोन, आइसोटो पता चला. कहते सर सारा कुछ सुना हुआ है, नहीं पढ़ाई जा रहे हो आप. चलो कोई बात नहीं, ये बताइए फिर अब क्या. सारा कुछ सुना हुआ है, सुमील बताएगी हमें मिरर न्यूक्लियाई क्या होता है. मिरर न्यूक्लियाई हाँ जी सुमीन सर ये नहीं आता क्या जी सुमीन सर ये नहीं आता लो अभी कह रहे थे सर सारा आता है आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो. अब मैंने एक चीज पूछी मिरर न्यूक्लियाई कहती ये नहीं आता. चलो कोई बात हो सकता है यार कईयों को ये भी ना आता हो उनके लिए ये मेरी बातें बताई इंपॉर्टेंस होल्ड कर रही हैं उनको लगे लग रहा होगा कि सर हमें नहीं आता था अंदर से अच्छी तरह से पर अब रिवाइज हो गया हम भूले हुए थे और कुछ कह रहे हैं सर ये आता है ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं. चलो कोई बात मिरर न्यूक्लियाई हाँ जी प्रणव प्रणव बताएगा जी मिरर न्यूक्लियाई क्या होते हैं. लो जी प्रणव की तो वैसे ही बैंड बजी सेम मास नंबर बट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज. सर समझ नहीं लगा ये क्या लिख दिया आपने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज. इदा मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरचेंज मास नंबर से मिरर न्यूक्लियाई. कहते सर और एग्जांपल दो प्लीज. प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरचेंज सेम मास पर डिफरेंट एलिमेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट होते हैं डिफरेंट एलिमेंट होते हैं. ये क्या सेम एलिमेंट होते हैं सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. आइसो 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 मिरर न्यूक्लियाई जिसमें एक दूसरे के मिरर्स बने. मिरर्स मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इंटरचेंज हो जाए मिरर न्यूक्लियाई. ओके आई विल थोड़े रेस कर दूं ना हो गया नोट.
अब आइए आगे बात करते हैं न्यूक्लियर साइज की। प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया कि जितने न्यूक्लियॉन्स का नंबर बढ़ता जाएगा ना, उतना न्यूक्लियस बड़ा होता जाएगा। इसका मतलब छोटी सी प्रैक्टिकल देखो ना, 5 न्यूक्लियॉन्स हैं छोटी सी जगह में, 15 न्यूक्लियॉन्स हैं, 20 न्यूक्लियॉन्स, 50 न्यूक्लियॉन्स, 100 न्यूक्लियॉन्स, 500 न्यूक्लियॉन्स है। फिर इसका मतलब द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, हम न्यूक्लियस को क्या मानते हैं, हर किसी ने माना, थॉमसन ने माना, रदरफोर्ड ने माना, बोहर ने माना कि ये स्फीयर शेप इज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, 4/3 पाई आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू ए, और आर प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, कांस्टेंट लगता है, इसको क्या बोलते हैं, आता आपको नहीं, एम्पीरिकल कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.210^-15 मीटर। ठीक है, आप ये भी कह सकते थे, आप ये एक लिंक पकड़ लो, आप एक लिंक ये पकड़ लो, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ए, ए स्टैंड फॉर एटॉमिक मास, मींस नंबर ऑफ मास, नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स, जितना ज्यादा उतनी वॉल्यूम बढ़ी। फिर आती बात न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम, मास एम ए, where small m is the mass of nucleon, mass of nucleon, a is the number of the nucleons, तो पूरा atomic mass कितना आ जाएगा, m into a divided by volume, सच्ची बोलूं ये कांस्टेंट है तो ये वैल्यू आती है 10^17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 10^17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, 10^17 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो मच 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 डेंसर है देन ऑर्डिनरी मैटर। कहीं पर लिखा हुआ कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ए पावरफुल क्रेन, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है पर फिर भी, ए पावरफुल क्रेन इज रिक्वायर्ड टू अपलिफ्ट ए न्यूक्लियस, जो ऑर्डिनरी मैटर होता है ना, ऑर्डिनरी मैटर
कोई भी चीज़ें आपके सराउंडिंग में, पानी ले लो, मरकरी ले लो, कोई भी रॉक्स ले लो, उनकी जो डेंसिटी होती है वो 10^3 के ऑर्डर की होती है। सब पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1000, मरकरी की डेंसिटी कितनी होती है 13.6 × 10^3। मानते हैं मरकरी बहुत ज़्यादा डेंस है। रॉक की एवरेज डेंसिटी कितनी होती है 5.5 × 10^3। तो ये कितनी डेंसिटी आ रही है 10^17, मच 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 स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, समझे? इसीलिए कहा जाता है न्यूक्लियस इज टेंसेस्ट इन द यूनिवर्स। 10^17 kg/m³ इज द न्यूक्लियर डेंसिटी, समझे बात को? फिर बात आती है न्यूक्लियर फोर्सेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फोर्सेस न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखें उनको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। द फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, अगर आपने बहुत बेसिक चीज सुनी हो तो चार फोर्सेस हैं नेचर की। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, वीक फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्सेस। तो नेचर की सबसे 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 स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है? न्यूक्लियर फोर्सेस, समझे बात को? न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में कुछ बातें लिखाना चाहता हूं, राइट डाउन। द फोर्सेस विच बाउंड द न्यूक्लियॉन्स टूगेदर, विच बाउंड द न्यूक्लियॉन्स टूगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। नंबर वन, दीज आर वेरी शॉर्ट रेंज फोर्सेस, दैट इज एग्जिस्ट अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू फर्मी। नंबर टू, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ नेचर। नंबर थ्री, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। नंबर फोर, अट्रैक्टिव फोर्सेस। नंबर फाइव, चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस, प्रोटॉन प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सेम ही होती हैं। नंबर सिक्स, मैंने बोला चार्ज इंडिपेंडेंट। नंबर सिक्स, दीज आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, नॉन सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल कौन सी होती हैं? विच एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू, नॉन सेंट्रल है ये। Again, these are exchange forces, that is, there is an exchange of a particle called meson between the nucleons,
तीन तरह के मीज़ोन होते हैं, पॉजिटिव पाई मीज़ोन, नेगेटिव पाई मीज़ोन, न्यूट्रल पाई मीज़ोन। प्रोटॉन जो होता है वो ऐसे बनता है। ये सारी चीज किसने दी? युकावा ने। युकावास कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज फोर्सेस, क्वेश्चन लिखा होगा, युकावास कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज फोर्सेस। उसने माना कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में एक एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, पर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ना वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं, वो आगे किसी के साथ किसी की हेल्प से बने। जैसे आपने पढ़ा था क्वार्क्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, याद आया? ये फंडामेंटल नहीं है। युकावा ने कहा इनके बीच एक एक्सचेंज पार्टिकल होता है जिसको बोलते हैं पाई मीज़ोन, और पाई मीज़ोन तीन तरह का होता है, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और दिस। समझे बात को? बेसिक पता होना चाहिए, वर्ड पता होना चाहिए, एक्सचेंज फोर्सेस हैं ये। किसके साथ क्या एक्सचेंज होता है इनके बीच? एक पार्टिकल जिसको बोलते क्या, पाई मीज़ोन। पाई मीज़ोन कितनी तरह का होता है? तीन तरह का होता है। कौन सी तीन तरह? पता चला, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। ठीक है, अब ये थी इंट्रोडक्शन। अब बात आती है वेरी फर्स्ट आर्टिकल, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, पहले फील लो। आपके पास, मान लीजिए मैं कहता हूं, मैं छोटी सी बात कर रहा हूं, ये लिखा मैंने, कितने प्रोटॉन? 17। कितने न्यूट्रॉन्स? 18। 17 प्रोटॉन को पकड़ा, 18 प्रोटॉन को पकड़ा, एक डब्बे में डाला, उस डब्बे को बोला गया न्यूक्लियस। एक प्रोटॉन का मास पता है, 17 का पता है, एक न्यूट्रॉन का मास पता, मतलब 18 का भी पता है। 17 प्रोटॉन का मास, 18 न्यूट्रॉन का मास जोड़ा गया, मास आया एक्स। तो उस डब्बे का मास भी तो एक्स आना चाहिए था, फिर ऐसे नहीं होता, वो एक्स से अलग होता। उस डब्बे का नाम है न्यूक्लियस, इसका मतलब न्यूक्लियस का मास ऑब्जर्व किया गया, न्यूक्लियॉन के मास से डिफर हुआ, उस डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट, और उस मास डिफेक्ट के कारण जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि वो न्यूक्लियॉन्स के साथ है इसलिए नाम पड़ा न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, E=mc2। सुना कभी? एक्चुअली mc2 नहीं होता, डेल्टा mc2 होता है। डेल्टा m क्या है? मास डिफेक्ट। हाईली 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 इंपॉर्टेंट। तो कल के लेक्चर में मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैसे रिस्पॉन्सिबल है ये चीज डिस्कस करूंगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा लेक्चर। हो सकता है आज का लेक्चर आपको लगे सर ने ऐसे ही बनाया, पर सच बोलूं अगर आपको ये नहीं आता था ना तो मैसेज जरूर करना कि सर ये नहीं आता था, हाथ जरूर खड़े करना कि ये नहीं आता था, ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, पर अगर आपका टाइम वेस्ट हुआ है देन आई एम सॉरी, पर ये फिजिक्स के करिकुलम में है सारी चीज, इसलिए मैं कनेक्ट करवाई। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर, गॉड ब्लेस यू ऑल।